biggest types of the cooperative organization. So on the basis of nature of activities performed, the cooperative organization can be classified into following category. ठीक है, जो भी किस काइंड की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, क्लासीफाई होता है. सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर कॉपरेटिव सोसाइटी, थर्ड वन इज कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ वन इज कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ इज कॉपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड सिक्स्थ वन इज कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. सो फर्स्टली वी विल डील विद द कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी. सो दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द कंज्यूमर हु ज्वाइन टूगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन. ठीक है, ये जो सोसाइटी होते हैं उसमें वो सारे कंज्यूमर्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, जो भी मिडिल मैन है होल सेलर और रिटेलर उनको एलिमिनेट करते हैं. द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गुड्स को परचेज करती है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करती है एंड सेल देम टू मेंबर एट द रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस पे डायरेक्टली मेंबर्स को सोल्ड आउट कर देती है. द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज अमंग द ऑल द मेंबर एज डिविडेंट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होता है उनका स्टोर का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो सारे मेंबर्स में एज डिविडेंट ऑन कैपिटल. जैसे कैपिटल पे डिविडेंड पे होता है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट एंड बोनस इन प्रपोर्शन टू देयर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर. जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है एज अ बोनस, वो क्या है, कितना उन्होंने परचेस किया है पूरे साल भर में, उसके अकॉर्डिंग होता है. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर फॉर्मिंग द कंज्यूमर कोऑपरेटिव आर टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, कि जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, एकदम नेसेसिटी गुड्स हैं, उनकी कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहे कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा ना हो कि वो सप्लाई रुक जाए. सेकेंड वन इज टू सप्लाई द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, कि गुड्स को सप्लाई किस पे करना है, रीजनेबल प्राइस पे करना है बाई एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मिडिल मैन, और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है मिडिल मैन का उसको एलिमिनेट करके, क्योंकि कोई भी मिडिल मैन इसमें नहीं होते हैं. एंड थर्ड वन इज़ टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द हाई क्वालिटी, कि जो भी गुड्स हैं उनका सप्लाई और सर्विसेज ऑफ द हाई क्वालिटी का उनको सप्लाई करना है. सेकेंड वन इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ऑल स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर द इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. जो सोसाइटी है वो किसकी कंसिस्ट होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसमें, जो इंडिविजुअली फाइंड डिफिकल्ट होते हैं टू प्रोक्योर द इनपुट, कि वो इनपुट को अवेलेबल हो एंड गेट द मशीनरी एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि प्रोक्योरमेंट ईजली वो इनपुट्स रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो ईजली अवेलेबल करा ले. सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव. ठीक है, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द वन हु प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल इनपुट्स मशीनरी सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, कि वो जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो प्रोड्यूसर है वो बस अपने प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करे. ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या होता है, कि वो सारे रॉ मटेरियल्स इनपुट मशीनरी प्रोवाइड करता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है वो बस कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया रहे. सेकेंड होते द वन हु विच द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस बाई दीज प्रोड्यूसर्स. ठीक है, और कुछ उसमें ऐसे सेलर आते हैं जिसमें विच सेल्स द गुड, जो गुड को सेल करते हैं प्रोड्यूस बाई दीज प्रोड्यूसर, जो ये सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किए हैं कमोडिटी. और नेक्स्ट कौन से प्रोड्यूसर ग्रुप आता है जिसमें ये लोग सारे को सेल करते हैं. द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द गुड्स एंड सोल्ड बाई ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी. जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड बाई ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि हर एक मेंबर उस सोसाइटी का कितने गुड्स को सोल्ड आउट किया है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है.
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट एक्सेट्रा एट द रीजनेबल प्राइस, कि जो भी गुड्स का सप्लाई करना है रॉ मटेरियल का इनपुट का रीजनेबल प्राइस पे करना है, टू प्रोवाइड द लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लेटेस्ट मशीनरी है उनको प्रोवाइड करना है और न्यू टेक्नोलॉजी जो भी प्रोडक्शन के न्यू टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करना है, टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द मेंबर्स, कि इंश्योर क्या करना है कि स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे गुड्स का और गुड्स जो है वो ईजली क्या हो सोल्ड होते रहें बाय द मेंबर्स जो भी उसके मेंबर्स हैं, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करना टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे ही कॉन्सेंट्रेट किए रहे. ओके, नाउ द थर्ड वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी. सो द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट. जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होते हैं उसमें वो सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, जो जिनको डिफिकल्टी होती है कि अपने प्रोडक्ट को वो सोल्ड आउट करे एट प्रॉफिट पे, जैसे इनको प्रॉफिट मिले. द आउटपुट ऑफ ऑल दी स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर, कि जो भी प्रॉफिट है आउटपुट है जो टोटल आउटपुट है जो प्रोड्यूस हुआ है ऑफ ऑल दी स्मॉल प्रोड्यूसर क्या है वो एक साथ उनको ब्रॉट टुगेदर साथ कर लिया जाता है एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, जो उसकी प्राइस होगी उस प्राइस में उनको सोल्ड आउट कर दिया जाता है. सच अ सोसाइटी हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ इट्स मेम्बर. ठीक है, ऐसी सोसाइटी क्या करती है, हेल्प करती है कि बार्गेनिंग पावर को, कि लोग इजीली बार्गेन भी कर सके मार्केट में एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, बार्गेनिंग पावर मेंबर्स में और कॉम्पिटिटिव एक पोजीशन भी क्रिएट करती है अमंग द मेंबर्स. इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, इसमें क्या है वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं सच एज ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ग्रेडिंग होती है. ठीक है, सारे मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है मतलब बफर स्टॉक एज अ सेफ साइट रखा जाता है, पैकेजिंग किया जाता है जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको प्रॉपरली पैकेजिंग करना, फिर ग्रेडिंग करना मतलब एक एक टाइप के प्रोडक्ट एक साथ करना उनको ग्रेड करना. द प्रॉफिट एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट हुआ और जो भी सेल हुआ वो क्या है वो अमंग दी जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द कॉमन सेल्स पूल, कि जितना उन्होंने जितना नहीं बेसिकली जितना भी उनका शेयर्स था उसके अकॉर्डिंग क्या है प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है आपका, सॉरी फर्स्ट वन इज टू इंश्योर अ स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, कि क्या करना है एक ऐसा मार्केट को प्रोवाइड करना है जहाँ पे फेवरेबल मार्केट हो, मतलब जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किए हों उनको सोल्ड आउट करने के लिए हम जाएं तो रीजनेबल प्राइस उन प्रोडक्ट की मिले, टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, जो भी आउटपुट हैं जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उनको बेस्ट प्राइस मिले, टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो, पैकेजिंग की फैसिलिटी हो, विच इंडिविजुअली कैन नॉट अफोर्डेड द मेंबर, जो इंडिविजुअली कोई भी इंडिविजुअल मेंबर क्या है अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनेगी जहाँ पे सारे जो प्रोड्यूसर हैं अपने प्रोडक्ट को एक साथ ला के उसको सोल्ड आउट करेंगे तो वहाँ पे जो भी एक एक्स्ट्रा हर एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, वो क्या हो जाएगा वो रीजनेबल प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उसको क्या करेंगे, अब सारी फैसिलिटी नहीं होगी क्योंकि सारे का प्रोडक्ट क्या है मर्ज हो जाएगा. टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है, और क्या हो सबसे बड़ा कि ऑनेस्ट ट्रेडिंग हो, कि जो भी वेइंग हो रहा है ये नहीं कि वेइंग भी अच्छे से ना हो, मेजरिंग करने का जो ऑप्शन है, अकाउंटिंग जो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं वो सही ना बन रहे हो.
तो ये सब के लिए ऑनेस्ट ट्रेडिंग की चांसेस होनी चाहिए एंड टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स, कि जो भी मिडिल मैन है उनका क्या करना है आपको, उनको एलिमिनेट करना है. उनको एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्टली इट्स सोल्ड आउट टू द कस्टमर. वो डायरेक्टली कस्टमर को ही सोल्ड आउट होगा. ऐसा नहीं है कि वो पहले होलसेलर के पास जाएगा एंड देन रिटेलर के पास जाएगा, फिर कंज्यूमर के पास आएगा. तो इससे क्या हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है. इसलिए इसमें क्या करता है कि जितने भी मिडिल मैन हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स. जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. सो इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स. इसमें क्या होता है कि पीपल उसमें सारे आते हैं जिसमें उनके पास लिमिटेड मीन्स मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट लोन्स. जिन्हें क्या है, उन्हें डिफ़िकल्टी है कि वो लोन और क्रेडिट को ईजिली क्या कर सके, अरेंज कर सके. सो दी सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इट्स मेम्बर. ये सोसाइटी क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है इसके मेम्बर्स को एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग दी मेम्बर्स. और क्या करती है, प्रमोट करती है कि डिफरेंट मेम्बर्स के, कि वो लोग भी अपनी एक हैबिट को क्या करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हैबिट को, सेविंग की हैबिट को भी प्रमोट करें, जैसे वो ज़्यादा क्या करें, सेविंग करें. द फंड ऑफ दी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ, जो फंड है सोसाइटी का, कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, सॉरी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दी मेंबर्स. ठीक है, जो भी इसमें बेसिकली आपका जो भी फंड है सोसाइटी का वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ दी शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड. जो शेयर है कैपिटल कंट्रीब्यूट का, कंट्रीब्यूटेड बाय दी मेंबर्स के, मेंबर्स कर रहे हैं एंड डिपॉजिट मेड बाय दी मेंबर्स. और डिपॉजिट कौन कर रहा है, मेंबर कर रहे हैं एंड दी आउटसाइडर. सो द फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू दी नीडी मेंबर्स ऑन ईजी टर्म्स. जो भी फंड है वो क्या है, यूज हो रहा है कि लोन प्रोवाइड करने के लिए टू दी नीडी मेंबर्स. जो भी नीडी मेंबर्स हैं उनको ऑन दी ईजी टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपल ईजी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है. द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय द फार्मर इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव. ठीक है, जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म हो रहा है किसके, फार्मर से, इट इज़ नोन एज द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव. क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म बाय द अर्बन एरियाज आर नोन एज अर्बन बैंक्स एंड द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर. देखिए, जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म हो रहा है फार्मर्स के लिए तो उसको बोलेंगे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, कि रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा है, फंड प्रोवाइड हो रहा है, लोन प्रोवाइड हो रहा है. क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज में फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अर्बन बैंक्स बोलेंगे. एंड द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन मोटिव है क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स. मनी लेंडर्स जो होते हैं ना, बेसिकली रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो लोन तो प्रोवाइड करते हैं बट उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो उसमें क्या करना है कि जो भी प्रोटेक्ट करना है मेंबर्स के एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स, जो भी मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन को, उनको मेंबर प्रोटेक्ट करना है. कि अगर डिफरेंट इंडिविजुअल को और पर्सन को क्या है, यहाँ पे लोन मिल जाएगा विद द रीजनेबल प्राइस, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो मेंबर्स को क्या है, प्रोटेक्ट होगा कि वो लोग मनी लेंडर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट नहीं होंगे. टू इंश्योर द लोन ऑन द ईजी टर्म्स एंड द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी लोन है वो भी क्या है, ईजी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिल जाएंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, लो होगा. टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग्स द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनके में क्या करना है, हैबिट डेवलप करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेविंग करें. ओके, सो दीज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कि जैसे वो लार्ज स्केल पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर सके, जहाँ पे उन्हें सारी क्या हो, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो
Such societies are particularly important in the case of countries such as India. ठीक है, ये basically ऐसी ये जो सोसाइटी होती है ऐसी कंट्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, लाइक द इंडिया वेयर द एग्रीकल्चर सफ़र फ्रॉम द एक्सेसिव सब डिवीजन एंड द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा सब डिवीजन है, जो भी लैंड है उनका बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन भी हो गया, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया है, जितने भी लैंड है बहुत सब पार्ट्स में हो गए। इसके लिए क्या है कि अगर डिफरेंट फार्मर्स क्या हैं वो एक साथ आके काम करेंगे, ज्वाइन टुगेदर होंगे, तो क्या होगा लार्ज फार्मिंग भी होगी और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सो द फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव। ठीक है, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग ऑफ कोऑपरेटिव आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मिंग कोऑपरेटिव का, फर्स्ट वन इज हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द मैकेनाइज फार्मिंग, कि जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना कि वो मैकेनाइज्ड, जहाँ पे डिफरेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हो, वो वैसी फार्मिंग कर सके, प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सीड्स, उनको सीड्स अच्छी मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, इरीगेशन की फैसिलिटी मिले, एंड अदर मॉडर्न जो भी टेक्निक्स यूज होती है फार्मिंग में वो सारी फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पीजेंट्स, जो भी पीजेंट्स हैं फार्मर्स हैं उन्हें क्या मिले, सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले। सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर कैसे क्या होता है कि वो लोग प्रोडक्शन करते हैं बट दे ऑलवेज फेस द लॉसेस, कि कुछ भी अगर नेचुरल कैलमिटीज आ गई तो वो लॉसेस को फेस करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो प्रेशराइज टू डू सुसाइड ऑल्सो। सो इन दैट केस थ्रू द कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इट प्रोवाइड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द स्मॉल फार्मर्स ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो दीज सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय द प्रोवाइड रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। ये सोसाइटी बेसिकली इसलिए फॉर्म होती है कि रेसिडेंशियल मतलब हाउसिंग से रिलेटेड एकोमोडेशन भी प्रोवाइड हो जो भी उनके मेंबर्स हैं। दी सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड। ये सोसाइटी में क्या होता है कि जो बिग लार्ज अमाउंट में प्लॉट लैंड का उसको परचेज कर लिया जाता है, कंस्ट्रक्ट फ्लैट ऑन दैट, और उस पर क्या कर दिया जाता है, जैसे लैंड परचेज कर लिया और उस पर बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स बना दिए जाएंगे, एंड सेल दीज फ्लैट्स टू दी इट्स मेंबर्स, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको सोल्ड आउट करें ऑन द इंस्टॉलमेंट एंड द ईजी टर्म्स, और जो भी ईजी टर्म्स के साथ उनको सोल्ड आउट कर दो, और इंस्टॉलमेंट के साथ मतलब जो भी मनी देना है इनको पेड करना है वो एक बार में नहीं करना है, वो इंस्टॉलमेंट में करना है, मतलब स्मॉल पीरियड में ऑफ टाइम में करना है। वो मनी क्या है, स्मॉल डिवीजन हो जाता है, मतलब एक साथ अगर आपका 10 लाख का है तो 10 लाख आपको एक साथ नहीं देना होगा, आपका 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे इंस्टॉलमेंट में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। सम हाउसिंग कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर फॉर बिल्डिंग हाउसेस। कुछ ऐसी हाउसिंग कोऑपरेटिव होती हैं जो लोन भी प्रोवाइड करती हैं उनके मेंबर्स को फॉर द बिल्डिंग हाउस, हाउस को बिल्ड करने के लिए। दी सोसाइटी आर वेरी पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में क्या है, ये सारे बहुत ही पॉपुलर हैं, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रोवाइडिंग द रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स, कि क्या है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मेंबर्स को प्रोवाइड करो, हेल्पिंग मेंबर टू परचेज हाउस एट द लोअर कॉस्ट, और जो भी मेंबर्स हैं उनको हेल्प करो कि वो हाउस को परचेज कर लें एट द लोअर कॉस्ट, प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग एक्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी उनके मेंबर्स को प्रोवाइड करो कि अच्छी रोड हो, पार्क हो वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट्स भी हो, पार्किंग की फैसिलिटी हो कि उनके जो भी 4-व्हीलर 2-व्हीलर है वो अपना पार्क भी कर सके, तो ये सारी भी फैसिलिटी क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, सो द नेक्स्ट प्राइवेट इंटरप्राइजेस इज दी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ओके, सो वी विल स्टडी दी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, जो भी कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन का होता है
इट इज़ कंसिडर टू बी मोस्ट सुटेबल, ये सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है फॉर दी ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी, जब हमें बिजनेस एक्टिविटी लार्ज स्केल पे करना है उस कंडीशन पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है मोर प्रिफरबेबल होता है, मतलब लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग द ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ये क्या है इसके पास ये एडवांटेज है कि ह्यूज कैपिटल लार्ज अमाउंट में कैपिटल क्या करता है ये अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक में पब्लिक के थ्रू। विथ एडिक्वेट कैपिटल इट कैन एम्प्लॉय ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनका कैपिटल होता है वो भी लार्ज अमाउंट में ही होता है, तो ये लोग क्या करते हैं ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर को भी क्या करते हैं एम्प्लॉय करते हैं टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज एफिशिएंटली। जो अगर कोई भी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड स्किल्ड मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसे बहुत ईजिली और स्मूथली क्या करेगा रन करेगा। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर, ओके सो द डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर। नाउ द फर्स्ट वन इज जस्टिस लिंडले, सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज मीट इज मेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ द मैनी पर्सन, ठीक है ये ऐसा एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे पर्सन हैं हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ, जो अपने मनी को क्या करते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन स्टॉक, क्या है कॉमन स्टॉक में एंड एम्प्लॉय इट फॉर द कॉमन पर्पस, और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक उनका क्या है एक कॉमन पर्पस के लिए वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेने सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये क्या होता है वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का फॉर द प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इंटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जो भी उनके कैपिटल होते हैं उसको डिफरेंट शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द ओनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, जो ओनरशिप है द ओनरशिप ऑफ विच इज द इट इज़ द कंडीशन ऑफ द मेंबरशिप, ये कंडीशन भी होती है मेंबरशिप की। नेक्स्ट वन इज गिवन बाय द चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है आर्टिफिशियल पर्सन है इनविजिबल है इनटेंजिबल है विजिबल भी नहीं है देख भी नहीं सकते हम इनटेंजिबल है वी कांट टच इट एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ द लॉ, और ये एग्जिस्ट कहाँ करता है जो भी लॉज हैं उनके ही सामने ये एग्जिस्ट करता है, और ऐसे हम ये क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है इसको हम लोग कुछ कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है ना ही इसको हम टच कर सकते हैं ना ही हम इसको देख सकते हैं, बट ये क्या है इट इज़ विजिबल इट इज़ एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ द लॉ, जो भी लॉ के प्रेजेंस में लॉ के सामने ही ये क्या है प्रेजेंस है इसका, ठीक है। सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है आर्टिफिशियल पर्सन है हैविंग द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील। अब ये सारे टर्म्स आपको लग रहे होंगे कि ये सारे क्या हैं तो ये सारे टर्म्स अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड द कॉमन सील। सो द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जो यहाँ पे टर्म आया था उसको हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। सो अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कंपनी है वो क्या है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। अ कंपनी कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन इट्स ओन नेम, जो कंपनी है वो अपने बिजनेस को क्या कर सकती है अपने ओन नेम से कंटिन्यू कर सकती है। इट कैन बाय और सेल असेट्स इन इट्स ओन नेम, वो असेट्स जो भी असेट्स हैं उसको बाय भी कर सकती है सेल भी कर सकती है बाय इट्स ओन नेम अपने नेम से। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम, वो क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी आउटसाइडर के साथ आ सकती है विद इट्स ओन नेम। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल, जो कंपनी और इसके जो मेंबर हैं दे ऑल आर दी सेपरेट, ठीक है कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिसको भी अपना कोई असेट को बाय करना है सेल करना है आउटसाइडर के साथ कॉन्टैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट में रहना है तो उसमें भी कोई भी डिफरेंट काइंड के क्या है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, सो अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, ठीक है जो कंपनी है वो कोई एक फिजिकल बॉडी नहीं है
लाइक नेचुरल ह्यूमन बींग, जैसे हम लोग क्या हैं, एक फिजिकल हमारी बॉडी है, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कंपनी क्या है वो फिजिकल बॉडी उसकी नहीं है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाई द लॉ, लॉ ही इसको, लॉ जो है वही इसको क्या किया, क्रिएट किया है. इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म बाई द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेम्बर्स, इसके जो भी ऑपरेशन है वो किसके थ्रू होते हैं, जो भी इसके रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव, जो इसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेम्बर्स, जो इसके मेम्बर्स हैं.